वेलकम बैक वंस अगेन। इफ्तारी के बाद हमने भी खाने को बहुत तगड़ा लगाया है और खदीजा और उबैद मेरे आज गेस्ट हैं माशाल्लाह। इनका जो दे बोथ अ फैशन डिज़ाइनर, दे हस्बैंड वाइफ, तो बहुत अच्छा लगता है कि हस्बैंड वाइफ सेम फील्ड में हो। क्या मुश्किल नहीं होती कभी एक साथ काम करना, सेम प्रोफेशन जब हो? एट टाइम्स होती भी है क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि यू लिविंग इन द सेम हाउस, ठीक है, यू हैव घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम विद बैद, ही हैज़ घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की भी। कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं व्हेन यू हैव टू बी देयर। फिर कभी जब एक साथ जाने का प्लान बनाए, ड्यू टू सम रीजंस आई कैन नॉट मेक इट, तो एट टाइम्स आई डू फील के बच्चे के साथ अपने जॉब का टाइम ले लेते होता है कि बच्चे की वजह से मुझे थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस टाइम आई वॉज वर्किंग विद स्टोनिंग और मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया बिकॉज ऑफ माई बेबी, क्योंकि ही इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली। तो अभी भी जितना भी है जो सारी डिज़ाइनिंग वगैरह आई मैनेज फ्राम द स्टूडियो, ठीक है, आई डोंट रियली गो टू द यूनिट, द प्रोडक्शन ही टेक्स केयर ऑफ। ठीक है, ठीक है। और उबैद, आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे आप इवेंट मैनेजमेंट में भी कुछ आपका है। हाँ, दिस कंपनी द गोल्ड स्टैंडर्ड टीजीएस के नाम से, ठीक है, वी आर देयर फ्रॉम लास्ट 1.5 इयर्स नाउ। ऑलराइट, अब ये भी काफी ट्रेंड आ गया है, मेहंदियां भी हो रही हैं सेलिब्रेट, हर किस्म की चीज। अब जो अच्छी चीज मुझे लगती है ना अबाउट द बिजनेस इज कि हर चीज अब थीम्ड है, ठीक है, और जब आप हर चीज को थीम करते हो ना तो देन यू नीड समवन टू कोऑर्डिनेट दैट, जो उसको पूरा आइडिया जनरेट करे और फिर उसको साथ चले। मुझे वेडिंग सिर्फ ज्यादातर वो अच्छी लगती है जिसमें हर चीज कोऑर्डिनेटेड हो, पता हो कि सिर्फ सिमेट्रिकल हो, चीजें प्रोपोर्शन हो, प्रोपोर्शनेट हो। दूसरा ये कि सिर्फ दुल्हन और दुल्हे की शादी नहीं होती ना, लाइक एक्चुअली वो फैमिली आपस में मिल रही होती है, तो पता होना चाहिए कि ये लड़की की फैमिली है, पता होना चाहिए ये लड़के की फैमिली है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन की भी है, मेहंदी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, ठीक है। टाइम बहुत कम है और भी बड़े क्वेश्चन थे जो मैं अंदर के सवाल करना चाह रही थी और वैद मुझे कैसे करें ना वो वाले सवाल, लेकिन क्या करूँ, ब्रेक्स और जो टाइम कम होता है इसकी वजह से मेरे अक्सर सवाल रह जाते हैं। आई होप यू हैव इन्जॉयड और बिलीव यू, मुझे आपकी ड्रेसेस बहुत पसंद है। टाइम मुझे मिल गया है, जल्दी से कोई मैसेज दे दें रमज़ान के बारे में, अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन हो, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। खदीजा स्टार्ट, रमज़ान के बारे में मैं कहूँगा कि ये साल में एक महीना होता है, ठीक है, कर लें और बख्शवा लें। क्या कर लें? इबादत, इबादत कर लें। और कोई ऐसी चीज जो आप देख रहे हो जो गलत हो अपनी फील्ड से रिलेटेड? फितना, फसाद, आई थिंक यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट। और जो गिबत जो होती है, जो पीठ पीछे जो बुराइयां होती हैं, ऐसा होता है आप लोगों की भी फील्ड में? बहुत ज्यादा, इट्स ह्यूमन नेचर, फील्ड के अलावा हर जगह कौन नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं, क्योंकि मैं फील्ड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहां पे एक्स्ट्रा होती हैं, तो आपको लगता है गिबत बहुत ज्यादा है? फैशन में सबसे ज्यादा होती है, फैशन में बहुत ज्यादा गिबत है, ठीक है। और ये आपका एंटरटेनमेंट, खदीजा आपका कोई मैसेज हो फॉर फीमेल्स, डिजाइनर्स को भी दे सकती हैं? बिल्कुल, अभी जो उबैद ने किया उसी पे आई वुड एग्री, एंड आई वुड से कि हस्बैंड्स को अपनी जेबें थोड़ी खाली करने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल ठीक आ रही है उबैद, आप सुन रहे हैं, कम टू पोर्टफोलियो बाय खदीजा उबैद, दैट्स द मेन मैसेज एक्चुअली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू पीपल, आई रियली एंजॉयड, थैंक यू, और इंशाल्लाह कभी दोबारा मिलेंगे, ठीक है। ऑल राइट जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा हमारा शो, कल दोबारा मिलेंगे। फातिमा सैफ को तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। أحلى مساج واحد راكع واحد ساجد ساعة الفطر ندعي المولى سحرنا يلا يا عم حسين رمضان سايبنا ورايح فين يا شهر واحد مش شهرين يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين رمضان ما تستنى شوية يا نور لأيامنا الجاية لو كنت عايز تفارقنا اوعدنا نتقابل بعدين رمضان سايبنا وراه